Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. उत्तर प्रदेश में एसटीएफ ने इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिद को ढेर कर दिया। गाजीपुर में यूपी पुलिस और नोएडा एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया। जाहिद पर शराब तस्करी के साथ साथ आरपीएफ के 2 जवानों जावेद खान और प्रमोद कुमार की हत्या का आरोप था। इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए हैं। दरअसल 19 और 20 अगस्त की रात आरपीएफ के 2 सिपाही जावेद खान और प्रमोद ट्रेन नंबर 15631 बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में अवैध शराब की तस्करी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी शराब तस्करों ने आरपीएफ के 2 सिपाहियों को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इसके बाद दोनों की मौत हो गई थी। इस मामले में मोहम्मद जाहिद फरार चल रहा था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में ढेर किया गया बदमाश बिहार के पटना का रहने वाला है। वो गाजीपुर के गहमर इलाके में फिर शराब तस्करी शुरू करने की फिराक में था। पुलिस को भनक लगते ही थाना गहमर, गाजीपुर की पुलिस, जीआरपी और नोएडा एसटीएफ की यूनिट ने मौके पर पहुंचकर उसकी घेराबंदी कर ली। घेराबंदी के दौरान मोहम्मद जाहिद ने फायरिंग शुरू की। फायरिंग में पुलिस के 2 जवान घायल हुए। वहीं पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में जाहिद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।